हे नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एन एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड पे। सो आज एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। आज हम आपको लेके चलेंगे अटारी वाघा बॉर्डर के पास, जहाँ पे अपनी रिट्रीट सेरेमनी होती है अटारी वाघा बॉर्डर पे, जो सेरेमनी होती है फ्लैग सेरेमनी। तो आज आपको वो दिखाएंगे अमृतसर की। तो शुरू करते हैं आज का एक और नया दिन, एक और नए व्लॉग के साथ। काफ़ी दिन हो गए थे कुछ अच्छा व्लॉग नहीं डाला था, हम शॉर्ट्स ही डाल रहे थे। आज आपको हम अटारी वाघा बॉर्डर का पूरा सेरेमनी दिखाते हैं। चलिए, हमारा हो गया बगीरा रेडी, निकालते हैं इसको और चलते हैं यहाँ से सीधा अटारी वाघा बॉर्डर की तरफ। 30 किलोमीटर है यहाँ से अटारी वाघा बॉर्डर का, अपने मैप पे डेस्टिनेशन लगा लिया है, जहाँ से 40 मिनट लगे, अप्रोक्स 28 किलोमीटर का रास्ता है। और निकलते हैं अब आगे अपनी जर्नी के लिए। बता दें तो ये रहा, हमने अपना मोबाइल आज एज अ गोप्रो सेट के लिए, कोई गोप्रो का मेमोरी कार्ड घर पे रह गया और सामने से गाय आते हुए। सिंगल रोड पे गाड़ी चलाना वैसा ही डिफिकल्ट होता है, ऊपर से बच्चे बिना देखे क्रॉस करते हुए, बाद में गलती गाड़ी वाले क्या कर सकते हैं। मौसम भी अच्छा ही है ऐसे तो, आज गर्मी नहीं इतनी, सो सेरेमनी आराम से देख पाएंगे। दोनों तरफ फुल ऑन बूम बम हो रही होती सेरेमनी में, फुल ऑन नारेबाजी, मजा आएगा सेरेमनी में, फुल बूम बम चलती थी आमने सामने दोनों तरफ की, मजा आएगा देखते हैं आज। मैं एक बार ही गया हूँ, जब मैं जॉब कर रहा था ना होटल में, तब होटल स्टाफ सारे जब गया था तभी मैं होके आया था एक बार रिट्रीट सेरेमनी में कॉलेज स्टाफ के साथ, कॉलेज स्टाफ करो होटल स्टाफ के साथ होके आया। आज हम यूजली जा रहे हैं, मजा आएगा। उस टाइम तो VIP पास मिल गए थे, अब आज VIP पास। सो पहुंच चुके हैं हम अटारी वाघा बॉर्डर पे, गाड़ी कर दी हमने पार्क, अप्रोक्स 120 रुपये की पार्किंग की फीस ली उन्होंने। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं, अराउंड डेढ़ से डेढ़ घंटे की अप्रोक्स सेरेमनी रहेगी यहाँ पे। जो कल बारिश हुई थी उसका पानी अभी भी खड़ा है, आज भी लगता रो रहा है, बारिश का मौसम तो है, होपफुली ना हो सेरेमनी ख़राब मत हो। आई थिंक वो रहा एंट्रेंस, वहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये रही एंट्रेंस जाते हुए, यहाँ पे पार्क गाड़ी की पार्किंग थी, पता नहीं ये कहाँ से थी इसकी, कैसे पार्किंग कर रहे थे। हल्की हल्की धूप निकलने वाली है, अब ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स बनाए हुए हैं, चिप्स पानी की। आगे जाना हमने, ये तीन बजे आने लगी, आई थिंक जिन्होंने टिकट बुक नहीं करवाई हुई डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं उनके लिए ये लाइन है।
जो इन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक करवाई, जिसकी हमने करवा ली थी, ये वाली BSF की वेबसाइट से। BSF का जमा तो यही बोल रहा है, ये बुकिंग वाली लाइन है, होपफुली यही रहे, छोटी लाइन मिल जाएगी, अदरवाइज लंबी लाइन में खड़े होना पड़ेगा। पूरा एक घंटा लगेगा गाइस हमें इस लाइन में लगते हुए, फुल रश। अब यहाँ पे चेकिंग हो रही है, कितना बड़ा पिलर है, ये BSF का सिक्योरिटी का गाड़ी। सो ये रही एंट्रेंस गाइस, अब यहाँ से अब एंटर करेंगे, देखते कौन सी सीट्स मिलती है। एक छोटी सी तो ये पाकिस्तान साइड, साइड ये हमारा इंडियन साइड, ये सामने पाकिस्तान, पाकिस्तानी जीना। सो गाइस हमने टॉप पोजीशन पे ले लिया, जहाँ से अच्छा एंगल आएगा, और अभी शुरू होने वाली है हमारी सेरेमनी। आपको मैं फ्रंट का व्यू दिखाता हूँ, तो ये देखिए, ये हमने टॉप पोजीशन ले लिया, तो यहाँ से पूरा दिखाई देता है। अगर मैं आपको पूरा रोटेट करके दिखाऊँ, तो पहले हम नीचे थे उस पॉइंट पे, तो वहाँ से शॉट लेके मैं ऊपर आ गया, तो यहाँ से सेरेमनी अभी स्टार्ट हो गई। Yeah.
कंप्लीट हो गई सेरेमनी, फ्लैग उतार लिया, गेट क्लोज हो चुका है। आपको पूरी सेरेमनी दिखाऊंगा, पूरी वीडियो डालेगा अनकट वीडियो। तो चलते हैं नीचे की तरफ, आप रश अभी बहुत है, चलिए। सो ये गाइस सामने खेत आपको दिख रहे होंगे, ये भी एलओसी है। ये वाली जो आपको दिख रही है ना, ये वाला एरिया सारा एलओसी का एरिया है, ऑपोजिट साइड पाकिस्तान से। बाहर आ गया क्या कहते हैं मेन बिल्डिंग से। ये भी आपको पहले मैंने एंट्रेंस को दिखा दिया था, इसी में सारा सिटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ है इन्होंने। अशोक स्तंभ बनाया हुआ है यहाँ पे। सो गाइस आ चुके वापस अपनी गाड़ी में। पहले आपको एक चीज बता दूं, अगर आपके पास वीआईपी पास है तो मजे ज्यादा आपको अच्छा क्या कहते हैं दिखेगा, मतलब जो सेरेमनी है फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी। तो
अगर तो आपके पास है वीआईपी पास सो इट्स बेटर, अदरवाइज अगर नॉर्मल ऑनलाइन बुक करवाते हो तो आपको नॉर्मल टिकट मिलती है जो क्या कहते हैं सीधा पत्थर की सीढ़ियों पे बैठो। अगर वीआईपी पास है तो आपको इंडिविजुअल सीट से मिलेगी, साथ में आप गेट के बाहर फोटो खिंचवा सकते हो, वो चीजें है। हमने तो एक अच्छी लोकेशन देख ली जहां से हमारी अच्छी रिकॉर्डिंग हो सके, अच्छा व्लॉग बन गया, आपको पूरा व्लॉग दिखाएंगे, पूरा मैं सेरेमनी पूरी दिखाऊंगा, ये नहीं कट कट करके जो जो मेन पार्ट है वो सभी पूरे पूरे आपको व्लॉग में दिखेंगे। तो चलिए निकलते हैं, निकलते अपने घर की तरफ वापस। सो गाइस आ चुके हैं गैराज में, गाड़ी लगाते हैं, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जो हमने एक ट्रिप अरेंज किया था, आपको अनाउंस करना मैं भूल गया, एक हमने ट्रिप अरेंज किया है वापिस से, यहाँ पे हमारे दर्शन नहीं हुए थे, वो आपको कल बताएंगे। इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय एंड पीस आउट।